तो आज हम लोग प्रश्न वाले 8.3 करेंगे, और 8.3 में जो मैथ्स है वो ट्रिगोनमेट्री चैप्टर का है, और ये जो है इसमें जो जो फार्मूले अप्लाई होंगे, जो जो फार्मूले का यूज होंगे वो पहले हम लोग सीख लेंगे, और पहले हम लोग वो जान लेंगे कि किस किस फार्मूला का इस चैप्टर में यूज होगा और उस फार्मूले को याद कैसे रखें। तो ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर करेंगे प्रश्न वाले 8.3 का जो निम्नलिखित का मान निकालिए। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, यह बहुत आसानी से बनेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जो अभी बताने जा रहे हैं। अगर न्यू व्यूअर होंगे तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल घंटी प्रेस कर लीजिए, हर वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा, और लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए हम लोग आगे जो है इसका सबसे पहले जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूले को जान लेते हैं और सीख लेते हैं, तभी ये हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो फार्मूले हैं क्लास टेंथ मैथ्स प्रश्न वाले 8.3 में जो फार्मूला यूज होंगे वो देखेंगे। फर्स्ट में आपको याद रखना है कि साइन थीटा, थीटा का मतलब यह सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मतलब ए है। तो अगर ऐसा है साइन 90 डिग्री कोई थीटा या कोई ए है, ए का मतलब एंगल, कोई थीटा है, तो उसके जो हो जाता है बराबर कॉस ए हो जाता है, मतलब कॉस थीटा होता है। इसी के विपरीत होता है अगर कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है, ए रहता है, तो उसको चेंज होके साइन ए में चेंज हो जाता है, मतलब साइन ए मतलब साइन थीटा में चेंज हो जाता है। पहला सूत्र ये याद रखना। सेकेंड है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक थीटा होता है, ठीक है, ये बताएंगे कैसे होता है। और कोसेक थीटा 90 माइनस ए बराबर होता है सेक थीटा। इसी तरीके से थर्ड में टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा मतलब कॉट ए होता है, मतलब थीटा समझिए, ए का मतलब एंगल होता है। इसी तरीके से यहाँ कॉट हो गया कॉट ए, तो इसी तरीके कॉट को अगर देखें तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए होता है या टेन थीटा होता है। ए जहाँ जहाँ है वो वहाँ थीटा या वहाँ एंगल, वहाँ जो डिग्री होगा वो देखा जाता है, ठीक है। दूसरा जो है, ये पहला जो है, ये जो फर्स्ट जो था, एक दो तीन तीस, मतलब ये तीन स्टेप में तीन फार्मूला है, ये याद रखना है। और याद क्या याद रखना बताएंगे। फिर एक है यहाँ से देखिए, साइन थीटा बराबर वन बाय कोसेक थीटा होता है, फिर कॉस थीटा बराबर वन बाय सेक थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर वन बाय कॉट थीटा होता है। ये फार्मूला यहाँ यूज होगा और पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा यही फार्मूला से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक समझ लेते हैं कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन थीटा क्यों होता है। तो इसको समझते हैं, उसके बाद जो है फिर इसको भी समझ लेंगे, इसको में ए को समझेंगे तो बाकी दो समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो आप समझिए कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो पिछले जो वीडियो में बताए थे कि ये ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल है, एक थीटा यहाँ बन रहा है, एक थीटा यहाँ बनता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मतलब यहाँ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ ए भी लिख सक, यहाँ पे थीटा की जगह जो डिग्री होगा वो लिखा जाता है, या ए भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ देखेंगे, एक थीटा यहाँ है और एक थीटा यहाँ, पूरे में इसको थीटा ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 90 माइनस मतलब थीटा है। तो ये हम समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, अगर हम कॉस, हम बताए थे पिछले कि छः जो होता है त्रिगोनमेट्री में छः ही चीज़ याद रखना है, एक साइन कॉस टेन कॉट, इस तरीके से छः ठो है, साइन साइन कुल्टा कोसेक से कॉस कॉस कुल्टा सेक, इसी तरह टेन 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 कुल्टा कॉट। तो ये याद रखने का है। तो इसमें से चलिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं और याद कैसे होगा।
देखिए जब भी थीटा की बात कर रहा है बोल रहा है साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए साइन थीटा है। अगर हम साइन थीटा बराबर पूछे तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो ये देखिए ये लंब है, फर्स्ट वीडियो में हम बताएं लंब है, सॉरी ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण है और ये लंब है, ये लंब है और ये आधार है, आप लोग सभी को जानते हैं। तो यहाँ थीटा देखिए यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ थीटा बनेगा तो इसके लिए लंब जो है ये वाला हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब यहाँ थीटा बनेगा तभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है देखिए आगे। तो जब साइन थीटा पूछा गया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है, तो लंब ए बी हो गया और कर्ण क्या हो गया ए सी, ये समझ में आ गया। दूसरा यहाँ देखेंगे जब साइन, यहाँ बोला गया कि साइन, अगर इसी में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोल दिया जाए, मतलब यहाँ ले रहे हैं ये वाला, तो गाइज इसके लिए जो है जब यहाँ थीटा बनेगा तो इसके लिए थीटा बनता है तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो ये लंब हो जाएगा, सिर्फ खाली यही दो को बदलता है, सिर्फ यहाँ बनेगा तभी ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे बनेगा। तो अब इसके लिए ये लंब हो गया, तो अब बोलता है साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जिस तरह इसमें किए तो इसमें लंब जो है ये वाला हो जाएगा, यानी बी सी बटा क्या हो जाएगा कर्ण, कोई बदलेगा नहीं, कर्ण वही रहेगा एस सी, समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया साइन का, अब थोड़ा कॉस का देख लेते हैं, अभी बताएंगे कॉस का। अगर कॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस यहाँ थीटा बनता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये लंब रहेगा ही, सिर्फ यहाँ बनेगा उसी समय ध्यान देना, और नहीं तो जनरल यूज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा है, अब कॉस थीटा के लिए क्या होगा, आधार बटा क्या होगा कर्ण, तो आधार क्या है बी सी बटा क्या है कर्ण ए सी, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे कॉस निकालिए, अब कॉस निकालेंगे, कॉस जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, आप देखो थीटा यहाँ बना तो इसका मतलब ये लंब हो गया। अब हमको लिखना क्या है कि कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए तो ये लंब हो गया, तो ये लंब तो आधार नहीं होगा, होगा तो इसके लिए ये आधार, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा एस सी। अब इसमें से क्रॉस कीजिए, क्रॉस अथि में आप देखिए कि इसके सीधा हम देखिए और इसके सीधा हम देखिए, तो यहाँ देखेंगे जब जब साइन थीटा पूछा जाएगा, साइन इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछा जाए तो इसके लिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसके लिए पूछा जाए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे कि ये वाला, यहाँ देखेंगे कि कॉस अगर पूछा जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा, यही हम लोग का देखने को, यही जो फार्मूला यहाँ फर्स्ट में, इसी तरीके से सेकंड भी, इसी तरीके से थर्ड भी। आप देखेंगे ये वाला जो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा क्यों होता है, तो इसमें भी देखिए ध्यान से कि जब भी ऐसा रहता है क्यों होता है, सब में ऐसा ही सेम, तो एक समझ लेंगे, जैसे साइन थीटा ए ए बराबर 1/cosec थीटा ये होता है, ठीक है, ये होता है, क्यों होता है तो इसको देखें, तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन थीटा तो हो जाएगा गुना cosec थीटा बराबर 1 होगा, होगा। आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा और cosec थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी, अब इंटू करेंगे, अब cosec थीटा बराबर क्या होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बी सी बराबर ए बी हो जाएगा बराबर 1। जब ऐसा होगा कंडीशन तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो क्या बचा इसमें से 1 बचा, तो 1 हो गया, तो यही बताया था कि इसके बराबर बराबर होता है 1/1, ये समझ में आ गया। तो आप चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, तो देखेंगे कि एक्सरसाइज 8.3 पहला बोलता है निम्न
निम्नलिखित का मान निकालिए। तो निकालिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि साइन 18 डिग्री, ठीक है, क्या है 18, ठीक है 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या करना है, किसी को एक को चेंज कीजिए, चाहे नीचे को चेंज कीजिए, कहाँ ऊपर को चेंज कीजिए, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं कि साइन अगर है ऊपर चेंज करते हैं तो साइन को हमको चेंज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस करना होगा, कितना यहाँ लाना है 18, तो इसमें से 18 लाने के लिए कितना हमको चाहिए, 2 चाहिए, घटाएंगे तो यानी 72 लाना होगा, तभी होगा, यहाँ नीचे 72, ठीक है, और यहाँ से इसे कॉस है, कॉस 72, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये जो चेंज हो जाता है साइन में, साइन जो है साइन 90 डिग्री थीटा बोले थे तो वो कॉस थीटा होता है, आप जानते हैं कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा में क्या है, ए है, ए था वहाँ पे, तो यहाँ क्या है 72, तो 72 और कॉस 72 ये डिग्री में, अब ये काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो पहला ये आंसर हो गया। चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड में क्या है, यहाँ पे बहुत इजी है, सिर्फ खाली आपको फार्मूला को समझ उसको समझा दिए हैं, याद कर लीजिएगा। आप देखेंगे 10 26 है और कॉट जो है, कॉट कितना है, कॉट 64 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे, किसी को चेंज कीजिए, चाहे नीचे कीजिए चाहे ऊपर, चलो नीचे ही कर देते हैं, तो देखिए 10 26 डिग्री, अब इसको देखना ये कॉट ही रहेगा, ठीक है कॉट में ही रहेगा, तो कॉट ही लीजिए और 90 डिग्री कीजिए, और यहाँ से 64 लाना है, तो हमको 26 घटाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, आएगा ना आएगा, उसके बाद इसको 10 लिखिए, 10 26 डिग्री बट्टा एक, अब ये कॉट है तो ये 10 में चेंज हो जाएगा, तो 10 चेंज होगा और थीटा कितना 26 डिग्री, तो 26 लेंगे, आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर, ठीक है थर्ड में देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है ये है। अब इसको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है ठीक है थर्ड का, इसको चेंज कीजिए या इसको, किसी को चेंज कीजिए, एक ही चेंज करना, डबल नहीं चेंज कीजिए, तो 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे कि 42 डिग्री, ठीक है ये करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस जो था वही लिखेंगे साइन 42 डिग्री एक बार, उसके बाद आगे स्टेप करेंगे, अब ये जो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और साइन चेंज हो जाएगा तो ये अपना थीटा क्या हो जाएगा 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, अब ये जो है घट जाएगा तो क्या होगा जी, ये घटेगा तो इसका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब 0 हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं 0 आंसर, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है तो इसको क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे ऐसा ही, यहाँ से आंसर लिख लीजिए और आगे बढ़िए, तो यहाँ करेंगे इसको चेंज करेंगे कॉस, तो इसका क्या था कॉस और सेक में है, ठीक है तो यहाँ क्या करेंगे कोसेक, कोसेक लिखा हुआ है तो 90 डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे 49 डिग्री, ठीक है, और यहाँ जो क्वेश्चन है सेक सेक 40, सॉरी यहाँ 40 नहीं है 59, यहाँ भी 59 डिग्री, ठीक है। अब ये जो चेंज हो जाएगा सेक में, सेक 59 डिग्री माइनस हो जाएगा सेक 59 डिग्री, अब जो है ये घट जाएगा तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, हम लोग दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए कि, दिखाइए कि फर्स्ट में है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री, 67 डिग्री बराबर 1 होता है, ये दिखाना है। तो गैज हम जो ये फार्मूला है, इस फार्मूला के यूज करते हुए हम बोले हैं जितने फार्मूले हैं उसी को सिर्फ यूज करते हुए सब बनेगा, ठीक है तो देखिए अभी फार्मूले के साथ बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे
किसी को एक को चेंज कीजिए, यहाँ से दो को चेंज करना है, एक को इसको चेंज कीजिए, आपने से किसी को भी चेंज कीजिए, इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, मतलब दो को चेंज कीजिए, दो को नहीं कीजिए। तो देखिए पहला जो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, टेन 48 डिग्री है तो इसको चेंज करेंगे टेन 90 डिग्री। यहाँ देखिए टेन 90 डिग्री माइनस है थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 48 लाना है, तो हम कितना करेंगे 42 डिग्री करेंगे तो 48 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको भी चाहता है तो कर दो, इसी को भी कर देते हैं टेन 90 डिग्री। अब यहाँ पे लाना है 23 डिग्री, तो हम कितना घटाएंगे 67 डिग्री घटा देंगे। उसके बाद क्या बचा, ये बचा ये, इसको लिख दीजिए यहाँ पे टेन 42 डिग्री और टेन कितना लिखना है टेन 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ जो है टेन बोला, टेन यहाँ पे थीटा जगह ए था, वहाँ पे ए था ना दोनों में, तो यहाँ देखिए ये चेंज हो जाएगा कोट में, तो ये क्या चेंज हो जाएगा कोट में, कोट में चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर ए था तो यहाँ भी ए हो, यहाँ ए था तो यहाँ भी ए हो, यहाँ 42 है तो यहाँ 42 हो गया डिग्री। फिर है टेन है, अब टेन फिर कोट में चेंज हो जाएगा कोट, और कोट में जब चेंज होगा तो ये 67 डिग्री हो जाएगा 67। उसके बाद इसको नहीं करना है, जो है वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा 67 डिग्री, ठीक है। अब इतना समझ में आएगा, हम बताएं कि कोट बराबर क्या होता है। देखिए अगर हम टेन बराबर पूछें, टेन थीटा बराबर 1/cot, या cot अगर cot रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ cot है तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ cot है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे टेन 42 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ cot है तो यहाँ लिखेंगे 1/10 कितना 67 डिग्री, और फिर यहाँ जो है वही लिखेंगे टेन 67 डिग्री, जो है ये गुना है, ठीक है, गुना का साइन है। अब देखिए टेन जो है नीचे है और टेन जो ऊपर है, ये यार ये कटेगा, ये यार ये कटेगा, तो क्या बचेगा 1। तो सिद्ध क्या करना था कि 1 सिद्ध करना था, तो 1 तो आ गया, आया ना 1, क्या हो गया आ गया, देख लीजिए आया ना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए सेकंड में, तो चलिए सेकंड भी क्वेश्चन देखें। देखिए कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री 52 डिग्री, माइनस करना है साइन 38 डिग्री, फिर करना है साइन 52 डिग्री, ठीक है, और लाना है कितना 0 होगा, बोलता है 0 है। तो इसमें भी ऐसा ही करना है, कॉस 38 डिग्री है तो इसको चेंज कर देंगे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 38 52 घटा देंगे तो 38 आ जाएगा, और कॉस 52 डिग्री इसी तरीके से, चलो इधर वाला दोनों करना होगा तभी होगा, यहाँ भी करना होगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और इधर जो है जो का सो लिखना है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब ये जो है कॉस है, यहाँ देखिए कॉस वाला साइन में चेंज होगा तो हो जाएगा साइन 52 डिग्री, कॉस वाला साइन में तो साइन कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 50 कितना होना चाहिए इसका, इसका घटाएंगे तो 2 आ, हाँ 52 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे कितना होगा 8 होगा, सॉरी ठीक है 8 होगा। अब माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब देखिए ये घट जाएगा, यहाँ घटाने में मिस्टेक है, 38 होगा। अब ये घटेगा और ये घटेगा तो कितना बचेगा 0 बराबर 0, यही साबित करना था।
ठीक है, ये कितना है 38 है, यहाँ घटाइए और यहाँ भी घटाइए तो अपने पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए गाइज यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक्सरसाइज जो है, रेस्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि हर वीडियो आपके पास जाता रहेगा और पहुंचता रहेगा जब जब अपलोड करें। एक प्रेस बेल आइकन होगा, उसको भी दबाइए, तभी आपका पहुंचता रहेगा। थैंक यू।